एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो नीट के ऊपर मैंने बनाई है, जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे डिमांड आई थी कि मैं इस पे इसकी स्ट्रेटजीज को और इसकी क्रैश कोर्स रिलेटेड चीजें बनाऊं। तो अभी आज की जो वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन, इसकी स्ट्रेटजीज एंड सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट बुक्स को कवर करेगी। तो अभी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में है या फिर जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है उनके लिए भी, और या तो जो अभी प्रिपरेशन जो 12th स्टैंडर्ड में है उनके लिए, जो बिल्कुल न्यू यानी कि बेसिक जिनको चीजें नहीं पता है उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो चलिए ये देखते हैं कि इस वीडियो में अभी आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नीट 2022 यानी कि जो ये एग्जाम है नीट, व्हाट इज नीट, नीट क्या होता है, बेसिकली नीट का जो एग्जाम है वो मेडिकल और डेंटल सीट को यानी कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसको फिल करने के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, जो कि एनटीए के थ्रू कंडक्ट होता है। एनटीए जो है उसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये जो है एमबीबीएस, आयुष और इस तरह से कई नर्सिंग कोर्सेज के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है ये एजेंसी। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमको जो भी मतलब एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि अभी तो कोविड का मतलब टाइम चल रहा है, कोई क्लियरेंस नहीं है कि कब आपका ये जो है पैंडेमिक फिर से रिपीट हो जाए, तो उसके हिसाब से ये आगे भी जा सकता है। बट आप एक्सपेक्टेड डेट मई लेकर चलिए कि मई में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो अभी जब आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम बचा हुआ है तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को काफी स्ट्रांग करना होगा कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। आपने अगर एक साल ड्रॉप किया हुआ है या फिर आप बिगिनर्स हैं, अभी आपने अपने 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आपका 12th का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से बहुत से बच्चे जो फ्रेशर होंगे, जो अभी 12th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनके ऊपर बोर्ड का भी प्रेशर होगा और एग्जाम का भी प्रेशर होगा, जो कि अभी बिगिनर्स की तरह से इस टेस्ट को देंगे, लेकिन आप जो है इसमें पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करिएगा और इसकी स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नीट 2022, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज ये है कि डिवाइड योर टाइम। इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम का डिवीजन करिए। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो अपने 12th कोर्स को भी, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड नीट में भी आने वाला है, उसी से रिलेटेड बोर्ड में भी आने वाला है। तो आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको कम टाइम देकर, जो पोर्शन वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देकर समझने की कोशिश करिए। अगर वो कमजोर वाला पोर्शन एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखता हो तो, अगर वो ज्यादा वेटेज नहीं रखता और आपका स्ट्रांग पोर्शन ही ज्यादा वेटेज रखता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। टाइम का डिवीजन अपने फेवरेट और सब्जेक्ट के हिसाब से मत करिएगा, वेटेज के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रांग पोर्शन के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, आप उसको रिकॉलिंग करते रहिए, उसके लिए रिफ्रेशिंग करते रहिए, लेकिन जो पोर्शन ज्यादा वेटेज वाला है उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए। यानी कि 70-30%, यानी कि आप मान लीजिए कि स्कूल गोइंग है, यानी कि आप अपने 12th स्टैंडर्ड में हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो सिर्फ 30% टाइम जो है वहां पे दीजिए, और जो 70% आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपकी सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे बोर्ड पर, प्लान अ स्टडी स्केड्यूल, यानी कि आपको एक स्केड्यूल होना चाहिए। इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा कि आपको अभी मतलब कि आपने टाइम डिवाइड किया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, एक टारगेट बनाना है, तो आप तभी उस अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपको पर डे का एक गोल होना चाहिए कि आज मुझको इतने टॉपिक्स इस चैप्टर्स के कवर करने हैं, इस हिसाब से कवर करने हैं। आपको अभी अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश करनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाइए। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है स्टे मोटिवेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आई होप कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स भी आपको मोटिवेट करें, बट बिलीव योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। तो आप सबको सेल्फ मोटिवेटेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ईच एंड एवरी डे जब आप मॉर्निंग में उठिए तो आप बिल्कुल मेंटली फ्रेश होने चाहिए आप अपने डे प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप
और अगर आपका जो है मेंटल हेल्थ, यानी कि अगर आपने बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में रह के पढ़ाई करी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आप मेंटली रिलैक्स होकर फ्रेश माइंड से स्टडी करें। और प्रिपरेशन जो है, आप एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो क्या है भाई, आपका बेसिक, आपका सिलेबस है उसके अंदर, तो आप उस बुक से सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए और अच्छी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करिए। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टडी विद एग्जाम्पल्स, यानी कि आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो उसके एग्जाम्पल्स में, अगर उस टॉपिक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल को पढ़िए, एग्जाम्पल को पढ़िए। अगर उसे एग्जाम्पल के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलता है, तो उसको उसी टाइम पर सॉल्व करिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने रिकॉलिंग ओनली मेन आइडियाज, यानी कि कोई बहुत लेंदी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने बहुत लेंदी टॉपिक पढ़ा, तो लेंदी टॉपिक पढ़ने के बाद आपने जब उसको रिकॉल किया, तो आप उसको फिर से दोबारा पूरा नहीं पढ़ोगे। एक पैटर्न होना चाहिए। क्या पैटर्न होना चाहिए? कि जो भी टॉपिक हो, उसके मेन मेन पॉइंट्स को आप साइड में छोटा छोटा लिख लो, ठीक है, इतना छोटा भी नहीं कि आप पढ़ ना पाओ, इतना बड़ा कि आप उसको पढ़ सके, और वो आप अपने हिसाब से लिखें कि आपको ये सब पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज को रिलेट कर रहा है, तो फिर आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि आपको फिर पूरा होल थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस वो छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, तो आपको वो पूरे मेन पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने का भी, अब जो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कि आपका कोई चैप्टर में डिफिकल्ट टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, हर तरीके के टॉपिक्स होते हैं, तो उसको पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए? आप उन डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत रिलैक्स माइंड से प्रिपेयर करिए, अगर वो आपके हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखे हुए हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं अभी। और मान लीजिए कि सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स आपने पढ़ा, फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स को टाइम दिया, फिर आपने इजी टॉपिक्स कवर किए, फिर उनके एग्जाम्पल्स उसी टाइम पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी नींद बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आप बहुत प्रॉपरली सोए हुए हों, यानी कि 6 आवर्स मैक्सिमम, 6 आवर्स, ठीक है। तो जब आप अच्छी तरह से नींद आपकी पूरी हुई होगी, तब आप क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना स्टार्ट करेंगे, तो आपको फ्रेशनेस फील होगी। यानी कि जितने भी मतलब पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए, ये बहुत बेसिक हैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सम टाइम इजी क्वेश्चंस कैन कम, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं, जो जो उनको टफ टॉपिक लगता है उसको कवर कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इजी टॉपिक से भी क्वेश्चन इजी आ जाते हैं और उससे मार्क्स गेन हो सकता है। इसलिए मतलब आप कोशिश करिए कि आप सिलेबस का सारा टॉपिक कवर करिए, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अटेम्प्ट क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द होल टॉपिक। ये नहीं कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आधा आपको स्टार्टिंग के टॉपिक से क्वेश्चन मिल गया, मतलब स्टार्टिंग के मटेरियल से क्वेश्चन मिल गया, तो आप उसको सॉल्व करने लगे। जब तक आपका अटेंडेंस पूरा टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, ठीक है। और हर रोज प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है, और रिविजन डेली करिए। मैंने अभी भी पहले भी बताया कि रिविजन का एक तरीका है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स शॉर्ट करके इस चैप्टर का नोट्स अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, उसको आप शॉर्ट करके पॉइंट्स बना के लिखिए, ताकि वो रिवीजन यानी आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको जरूरत पड़े, तो आप उसको एक बार देख के समझ लें, समझ सकें। फिर अगर आप किसी कोचिंग में हैं, बेसिकली कोचिंग में ही होंगे, तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहां से असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उसको हर रोज कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एक फॉर्म में बनाए रखती है, एक आपकी इंटेंसिटी को कंटिन्यू रखती है, ठीक है। आप उसी हिसाब से, क्योंकि वो उनका उसी हिसाब से डिजाइन होते हैं क्वेश्चन पेपर्स या फिर असाइनमेंट्स, जो कि आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। वो सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट उनका जो लेवल होता है वो ऑब्वियसली मैच करेगा कि वो किस हिसाब से, जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। फिर मैनेज योर टाइमिंग एंड स्टे पॉजिटिव। टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि आपका जो लर्निंग परफॉर्मेंस है, आप उसको मेजर करिए, ठीक है।
आप अपने अपने को देखिए कि आपने इतनी देर तक जो पढ़ाई करी है उस पढ़ने के बाद आपको कितना ज्यादा उस टॉपिक से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप कहाँ तक उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब आप अपनी लर्निंग और परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे, हर रोज टेस्ट देते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तब आपको अपनी एक्यूरेसी का अंदाजा लगेगा कि आप कितने हद तक एक्यूरेट हैं और आपकी क्या मैनेजमेंट स्किल है। ठीक है, तो कोचिंग वगैरह में मतलब वो टेस्ट लेते रहते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा मौका देने का। तो इस तरह से आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता चलेगा और फिर आप जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, यानी कि आपको जब अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपका स्ट्रेटजी आपने जिस हिसाब से तैयार करी है उस हिसाब से पूरा 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप खुद बखुद मोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं होंगे जब आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, जहां पे आपको मिस्टेक लग रही है आप उस पोर्शन को स्ट्रांग करो, हेल्प लो, आपको जो गाइड कर रहे हैं टीचर्स उनकी हेल्प लो, बुक की हेल्प लो, यूट्यूब की हेल्प लो, बट गो फॉर इट। लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको बैक 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 स्टेप लेना ही नहीं है, आपको मोटिवेट रहना है और आपको ये टेस्ट क्रैक करना है। तो बच्चों, अभी बेसिक स्ट्रेटजीज को समझने के बाद अब मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स की स्टडी टिप्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है उसका उसमें है क्लियर योर टॉपिक्स। तो फिजिक्स एक जो कॉन्सेप्ट मतलब जिस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कोई अजम्पशन नहीं होता है, उसमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी रहती है, तो वही उसकी की है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसमें एक्यूरेसी है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उनको अच्छी तरह से क्लियर करिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन रेगुलरली। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रोज क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो है वो अपने आप को एनालाइज करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की और अपने आप के कॉन्सेप्ट कितना आपको समझ में आया इसकी आपको समझ आती रहेगी और आप इजीली जो है अपने आप को और इम्प्रूव कर सकेंगे। फिर मैंने लिखा हुआ है रीड योर क्लास नोट्स एंड स्टडी पैकेज टू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। यानी कि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल आपके पास है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए और एक फार्मूला, जैसे कि हर चैप्टर का आप एक शॉर्ट में मतलब जैसे चैप्टर जहाँ फिनिश हो रहा है उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको एक साथ लिखिए, ताकि आपको रिकॉलिंग के टाइम पे आसानी हो, आप उसको रोज रिवाइज कर सकें। ठीक है, और वो सारे कॉन्सेप्ट से जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करिए और इजिली उसको एक जगह लिख कर रिमाइंड करते रहिए, रोज अपने अपने को रिकॉल कराते रहिए कि ये चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। और टाइम लिमिट, यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप जब नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पे टाइम लिमिट होगी, पर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे आपको उस हिसाब से सॉल्व करना होगा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी जब भी आप प्रिपरेशन करो तो आप क्या करो कि टाइम अलार्म लगा कि मुझको इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस करते करते, हाँ जब आप स्टार्ट करोगे करना तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगा कि आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी बेसिक चीजें हैं। और जो भी आपका मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन से हायर लेवल तक जाइए। ये नहीं कि आप जो हायर लेवल को पहले कर रहे हैं या सिर्फ इजी को कर रहे हैं, एक पैटर्न होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और जो थेरेटिकल फिजिक्स है आपकी जो डेली लाइफ की, उससे रिलेटेड भी चीजें कुछ चीजें जो हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है। और एनालिटिकल आपकी जो स्किल्स हैं वो इसी तरीके से सॉल्व करने से आपकी स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएंगी और आप जो हैं इजिली इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो अब सेकेंड हमारा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए जो स्टडी टिप्स हैं उसमें देखिए मैंने डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले लिखा हुआ है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ने के लिए आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, मैकेनिज्म और एक्सेप्शनल केसेस को पहले पढ़िए। आप मैकेनिज्म एंड एक्सेप्शनल केसेस को पढ़िए,
और मैकेनिज्म को समझने के लिए और बहुत से बेसिक रिएक्शंस को समझने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहले पढ़िए, वो आपकी बेसिक नॉलेज को क्लियर करेगी। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो 12th की बुक है एनसीईआरटी की, वो बेस्ट है इसके लिए। अभी मैं स्पेसिफिकली जो है नीट के लिए जो है बुक्स मैं बताऊंगी कि क्या क्या बुक्स आप ले सकते हैं, तो वो भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी आपको लास्ट में। लेकिन अभी जो मैं आपको मतलब बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे जो आपका बेसिक लेवल है, तो उसमें और जो नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन है उनको भी, उनके लिए आप एक अलग से नोट्स बनाओ और आप उसको रोज रिकॉल करो, क्योंकि मोस्टली जो है लोग रिएक्शन भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए। और इसमें भी मैं ये बात बोलूंगी कि आपको रोज जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा रोज नए क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तो आप जो है उसको भूल जाएंगे फार्मूलाज को और कॉन्सेप्ट को भी। और जो आपकी एनसीईआरटी है उसको बहुत थ्रोली पढ़िए, आपको बेसिक जो है इनऑर्गेनिक, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज उससे मिल जाएगी। इसकी प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक जो बुक्स आती हैं नीट के लिए, वो मैं आपको अभी शेयर करूंगी थोड़ी देर में, आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी ये जो मैंने बताया, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे से बना के रखिए और प्रैक्टिसिंग डेली करिए। तो सबसे लास्ट में मैंने बायोलॉजी को लिखा है, तो जो बायोलॉजी के लिए स्टडी टिप्स है, तो जो बैकबोन है बायोलॉजी की, यानी कि हर सब्जेक्ट की बैकबोन एनसीईआरटी बुक्स ही है। तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो 11th और 12th का आपका सिलेबस जो 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 टॉपिक कवर कर रहा है आपके नीट के सिलेबस का, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। ये जो मतलब कि नीट सिलेबस के जो बायोलॉजी के लिए आपकी प्रिपरेशन आप करेंगे अगर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और आप इजिली 300-340 मार्क्स इससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि बायोलॉजी जो है वो आधे से ज्यादा पोर्शन जो है यानी कि क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर में कवर करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे आप 340 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको स्पेशल अटेंशन देना है। और 11th 12th के जो टॉपिक्स हैं जो नीट के सिलेबस में आते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो आपके डिजायर्ड कॉलेज हैं, आप अगर सारी जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो आपको आपके हिसाब से कॉलेज मिलेगा, आप उस हिसाब से अपने एम को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों, हमने अभी तक बेसिक पॉइंट्स देखे कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आइए चले अब देखते हैं कि जो नीट एग्ज़ाम है 2022 का, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, उसका स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए, फिर से कुछ प्रिपरेशन टिप्स और सिलेबस और टाइम टेबल। तो बेसिकली बहुत से इसमें जो है नीट का स्केड्यूल क्या है, ठीक है। स्केड्यूल मीन्स कब एग्ज़ाम अनाउंस होगा, ठीक है, कब क्या होगा। मतलब अभी कुछ एक टेंटेटिव डेट है जो कि है आपकी 2 मई 2022। अभी पैंडेमिक अगर आ गई फिर से तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जो कि जिन्होंने बच्चों ने 10+2 या फिर इक्विवेलेंट टू दैट हैं, मतलब वो एलिजिबल हैं जो अपीयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको क्या क्या सब्जेक्ट, आपको अभी जो भी इस पेरेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि सब्जेक्ट्स आपके 3 मेन हैं, क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। इंग्लिश जो है वो एज अ कोर सब्जेक्ट है, जो कि मतलब कि रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द बोर्ड। आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए कितना होना चाहिए, यानी कि इस टेस्ट में आपको सिक्योर करना है 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कम्बाइंड इन 10+2 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ठीक है। अगर जब 50% एग्ज़ाम में अपने आप अचीव कर पाएंगे, तब आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो वो 40% पे अपीयर कर सकता है, उसको 40% की रिक्वायरमेंट है। तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन कॉपी मोड है।
और ये तीन सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अभी आइए चलिए देखते हैं। तो ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 180 होंगे और ये 720 मार्क्स का होगा। इसमें तीन सेक्शन होंगे, तीन सेक्शन मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन देखते हैं। देखिए फिजिक्स का जो सेक्शन है इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 प्लस 15 क्वेश्चन हैं जो कि सेक्शनल मार्क्स जो है 180 मार्क्स हैं। और केमिस्ट्री में भी जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 प्लस 15। अब 35 प्लस 15 का क्या मतलब है, मतलब ए एंड बी, ठीक है। 35 जो है वो ए सेक्शन में होगा और 15 जो है वो बी सेक्शन में होगा, ओके। इसका भी जो सेक्शनल मार्क्स है वो 180। अब हमारा थर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 हैं, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और 360 यानी कि ज़्यादा मार्क्स जो है आपका कहाँ से गेन होगा, बायोलॉजी से। और आपको जो मार्किंग स्कीम है वो देखिए, +4 मार्क्स मिलेगा आपको करेक्ट आंसर पर, -1 की मार्किंग है जो कि एक आंसर के इनकरेक्ट होने पर -1 मार्किंग होगी आपकी। अब आप सिलेबस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड से फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियोरी, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। फिर 12th स्टैंडर्ड से आपको कौन कौन से आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं केमिस्ट्री से, 11th स्टैंडर्ड में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर्स, गैसेज एंड लिक्विड, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, SP ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, ओके। फिर क्लास 12th में अब आइए, इसमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट की आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी जो कि कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट जो पोर्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 4 वीडियो अपलोड करी है, तो मे बी आपने देखा हो, नहीं देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख ले तो उनके लिए हेल्पफुल होगी, और नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियो आएगी। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ओके। तो सरफेस केमिस्ट्री, ओके एक सेकेंड, मैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलो एल्केन्स, हैलोरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर। एंड अब आप देख लें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड से बायोलॉजी में क्या क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये तो सिर्फ चैप्टर्स के नाम है, चैप्टर के अंदर भी आपको टॉपिक मिलेगा, तो आप गूगल कर सकते हैं ईजिली कि किस तरह से आप कुछ PDF आप निकाल सकते हैं, आपको ईजिली PDF मिल जाएगा। बहुत सी साइट्स हैं जिस पर आपको ईजिली PDF मिल जाएगी, तो आप चैप्टर सिलेबस जो है उसका आप डाउनलोड करके उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स, प्लांट सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर क्लास 12th से रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपके नीट सिलेबस को कवर करेंगे ये सारे चैप्टर्स। और अब हम बुक्स पे आते हैं कि कौन सी बुक्स, देखिए सबसे बेसिक जो है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक के बाद अब रेफरेंस बुक्स में कौन कौन सी है। देखिए फिजिक्स के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा की, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जो है DC पांडे के लिए बहुत बहुत अच्छी बुक्स हैं ये, और फंडामेंटल फिजिक्स बाई हैलिडी, रेसेनिक एंड वॉकर, ओके। तो फंडामेंटल फिजिक्स बाई प्रदीप, तो इसमें से ये सारी बुक्स जो मैंने, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिस्ट्री की भी इसी तरह से देखिए बुक्स हैं यहाँ पर,
एबीसी केमिस्ट्री जो है मॉडर्न 11 to 12 भाई मॉडर्न उसमें दिया हुआ है कॉन्साइज एंड ऑर्गेनिक जेडली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ना कि सिर्फ नीट के लिए, नेट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छी बुक मानी जाती हैं, दिनेश केमिस्ट्री गाइड है। और फिर प्रैक्टिस बुक भी देखिए यहाँ पर नीचे दी हुई, इसी तरह से बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पर बुक्स हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर वीडियो में आप नाम नोट करके ईजिली इसको बुक को PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अगर इसके PDF अवेलेबल हैं, और नहीं तो आप ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन टिप जो मैं कि आपको दे चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे है बहुत सी चीज़ें हैं कि आप NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़िए, बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स करिए, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी टॉपिक्स के लिए आपकी, तब और फिज़िक्स में आप रोज़ रिवीजन पैटर्न आपको होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाई एवरी मीन। आपका मेंटल रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो यानी कि आप किस इस तरह से सेशन अपना जो है वो 4 पार्ट में यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए जो मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में नीट 2002 के प्रिपरेशन सेशन, यानी कि 1 से 3 या फिर 3.5 आवर्स आप ले सकते हैं, 3.5 घंटे। तो इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर थ्योरी सम्स फार्मूली सारी चीज़ें इसके अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस है, आप पढ़िए ठीक है। किसी चैप्टर को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके सब उसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज सॉल्व करिए इजीली। फिर 2 आवर्स का आपने दूसरा सेक्शन बनाया है, जिसके अंदर बॉटनी या फिर जूलॉजी आप पढ़िए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, डायग्राम और NCERT बुक्स, और फिर यूज़फुल नोट्स बनाइए। फिर जो है 3 आवर्स का सेशन है जो थर्ड वाला है, इसके अंदर क्या है कि आप जो है क्वेश्चंस को रिपीट करिए सेशन 1 से जो आपने पढ़ा हुआ है, ट्राई टू सॉल्व एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक यू हैव स्टडीड जो भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर जो सेशन 4 है इसके अंदर 4 to 2 आवर्स, यानी कि आप फिर से दोबारा जो है बायोलॉजी को आप पढ़ सकते हैं और मतलब लाइट स्टडी कर सकते हैं, NCERT कर सकते हैं, और यही सेम पैटर्न आप नेक्स्ट डे भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो टिप्स हैं ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी, आपने इसको अगर अपने रूटीन में अप्लाई कर लिया और इम्पॉर्टेंट तरीके आपको अपनाया तो, और इन सारी रेफरेंस बुक्स की हेल्प ली, तो आप बहुत ईजिली अपना जो है एम जो है अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों ये बुक्स के नाम हैं, आप यहाँ से ये जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो, इससे आप अपने बुक्स के नाम नोट डाउन करके उनको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।